हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो एक छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए, कि अभी का जो टाइम चल रहा है दैट इज़ प्रेटी इंटेंस। और इस टाइम पे बहुत ही क्रूशियली हम बोल सकते हैं थर्ड डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और स्प्लिट हो रहा है। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको किस साइड पे जाना है, थर्ड डायमेंशन की साइड की फिफ्थ डायमेंशन की साइड। आई नो मैं इसके बारे में काफ़ी समय से बात कर रही हूँ, बट अब आपको शिफ्ट भी फील हो सकता है, हार्ट चक्र में अपने लव भी फील हो सकता है, एक्सपेंशन भी फील हो सकती है, ट्रिगर्स आपको डिफरेंट लोग ट्रिगर भी कर सकते हैं। तो रिमेंबर, जो भी आपको ट्रिगर कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि आपकी अवेकनिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए और आप फास्ट अवेकन हो इस जर्नी में। अहेड जल्दी बढ़ें, आगे जल्दी बढ़ें। और आपको एक चीज़ रिमेम्बर करनी है, द आंसर फॉर एवरीथिंग इज़ लव। और आप में से काफ़ी लोग अपने ट्विन फ्लेम को लेकर परेशान है, उसकी अवेकनिंग नहीं हुई, वो मुझसे बात नहीं करता। देखिए, एक चीज़ को समझिए कि कहीं बार दोनों ट्विन्स जब एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे नहीं आते तो उनका सेपरेशन और उनका क्या बोलते हैं कि अलग रहना और कांटेक्ट में ना रहना ज़रूरी होता है। हम चीज़ों को कई बार नहीं समझ पाते कि क्यों इम्पॉर्टेंट है वो। बट जो इस टाइम पे स्प्लिट चल रहा है, अगर आप फिफ्थ डायमेंशन चूज़ करेंगे और आप चूज़ करेंगे कि मुझे इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना है, ये सब मैट्रिक्स माया है जिसमें हमें फंसाया गया है, या बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे इवॉल्व होने आए हैं, माया के अंदर रह के ही माया में किस तरह से हम बाहर रह सकते हैं वो हमें सीखना आना चाहिए। तो जब आप वो चीज़ चूज़ करेंगे तो आपका ट्विन कुछ और चॉइस नहीं ले सकता, वो सेम चॉइस लेगा। और ये चीज़ को रिमेम्बर करिए, हमेशा अपने हार्ट चक्रा से कनेक्टेड रहिए, अपने ट्विन को लव की एनर्जी भी भेजिए उनको। अगर उनके लिए गुस्सा भी आ रहा है और वो सब चीज़ें भी आ रही है, इट्स ओके। आपको बहुत सारे अपने ट्विन फ्लेम से रिलेटेड ड्रीम्स दिख सकते हैं, जहाँ पे जो आपके फियर हैं वो आपके सामने सरफेस पे आएंगे, या ओल्ड कर्मास जो हैं वो क्लियर आउट होंगे। तो उन सब चीज़ों को प्रोसेस कीजिए, अहेड बढ़िए और एक्सपैंड कीजिए, लव अपने आप के लिए इंक्लूड कीजिए। तो जो हार्ट चक्र आप एक्सपैंड करेंगे तो लव सबसे पहले अपने आप को उस लव में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को इंक्लूड करे बिना आप अपने ट्विन को इंक्लूड नहीं कर सकते इस लव में, क्योंकि वो आप ही का मिरर है, वो ही शो करेंगे जो ऑलरेडी आपके अंदर होगा। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू सो मच।